पार्ट 4 बी अ लीडर हाउ टू चेंज पीपल विदाउट गिविंग ऑफेंस एंड अराउजिंग रिजेंटमेंट। फर्स्ट पॉइंट है बिगिन विद प्रेज एंड ऑनेस्ट अप्रिशिएशन। दोस्तों इस बुक में काफ़ी सारी अच्छी बात बताई है। आपको बताया गया है कि सामने वाले को अप्रिशिएट कीजिए, हर किसी को नीचे नहीं गिराना है आपको। दोस्तों अगर आपका बॉस खड़ूस है या बहुत ही स्ट्रिक्ट है तो आप उसका काम उतने अच्छे से नहीं करते हो, आप मन मार के उसका काम करते हो। लेकिन आपका बॉस अगर आपको अच्छे से बोलता है, आपका काम अप्रिशिएट करता है, तो आप रिस्पेक्टफुल होकर उसका काम करते हो, मन से काम करते हो। तो आपको काम में कमियां नहीं निकालनी है, आपको सबसे पहले अच्छी चीज़ें बतानी है कि आपने ये काम अच्छा किया है, लेकिन ये काम आपने उतना अच्छा नहीं किया, आपको इसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और आप कर सकते हो। इस तरीके से सामने वाला मोटिवेटेड होगा और ज़्यादा काम करेगा। नंबर 2 कॉल अटेंशन टू पीपल्स मिस्टेक इनडायरेक्टली। जब दूसरा इंसान गलती करता है तो सामने वाला इंसान डायरेक्टली उसको डांटने लग जाता है, उसको जलील करने लग जाता है। लेकिन ऐसा करने के बजाय आप अगर उसको थोड़ा अप्रिशिएट करते हो और फिर उसको कमियां बताते हो कि यहाँ यहाँ आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, यहाँ यहाँ आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, तो वो उनको ठीक भी कर लेगा और आगे से ज़्यादा ध्यान रखेगा। नंबर 3 टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स बिफोर क्रिटिसाइजिंग द अदर पर्सन। दोस्तों अगर आपकी टीम कोई गलती करती है तो आपको उसको गलतियों को नहीं गिराना है, आपको बताना है कि ये गलती तो मैंने भी की थी, लेकिन मैं अपनी गलतियों से सीखा हूँ और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो आप गलती करने के बजाय मेरी गलती से सीखिए और उनको इम्प्रूव कीजिए। अगर आप अपनी गलती पहले गिना देते हो तो सामने वाले को बुरा नहीं लगता और उसको पता है कि वो काम गलत है, तो नेक्स्ट टाइम उसको वो ध्यान से करेगा। नंबर 4 आस्क क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर्स। दोस्तों कोई भी नहीं चाहता कि उसको ऑर्डर दिया जाए, उसको अपमान लगता है, उनको डिसरिस्पेक्ट लगती है। इसलिए किसी को कोई भी काम देना है तो आप सजेशन दीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, इससे किसी को बुरा नहीं लगेगा और सामने वाला आपका काम जरूर कर देगा। नंबर 5 लेट द अदर पर्सन सेव फेस। अगर किसी भी एम्प्लॉय से गलती हो जाए तो उनको सबके सामने मत डांटिए, ये बहुत ही अच्छा रूल है, बल्कि उससे अलग से बात कीजिए, उसको सुधरने का मौका दीजिए, इससे उस व्यक्ति की रिस्पेक्ट डबल हो जाएगी। दूसरी ओर अगर आप उसको सबके सामने डांट देते हो तो वो गिल्ट में पड़ा रहेगा, उसको बहुत डिसरिस्पेक्ट होगा। नंबर 6 प्रेज एवरी इम्प्रूवमेंट। दोस्तों अगर कोई इंसान थोड़ा भी अच्छा काम करता है, थोड़ी भी इम्प्रूवमेंट दिखाता है, तो उसको तारीफ कीजिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसको मोटिवेशन मिलेगा और वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। दोस्तों इस बुक में बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको डेली लाइफ में हेल्प करेगी। दोस्तों इस बुक की समरी सिर्फ आपको आइडिया दे सकती है कि इस बुक के अंदर क्या है, बल्कि किसी भी बुक की समरी आपको सिर्फ आइडिया दे सकती है कि इस बुक के अंदर क्या है। अगर आपको उस बुक से बहुत सारी वैल्यू लेनी है तो आपको बुक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए। दोस्तों अगर आपको अंकुर वारिको सर के टाइम मैनेजमेंट कोर्स के बारे में जानना है और उसकी डिटेल्ड समरी देखनी है तो आप लेफ्ट वाली वीडियो को ज़रूर देख सकते हो, वरना राइट वाली वीडियो भी बहुत काम की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।